अध्यक्ष महोदय, मैं 2023-24 के पुरानी बजट पर बात करने के लिए खड़ा हुआ हूं। तुम तो है ना। अध्यक्ष महोदय, कामगार विभाग, ऊर्जा विभाग और स्वच्छता विभाग और इसी तरह पानी परोडा के ऊपर बात करने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं। सर, मालेगांव एक ऐसा शहर है जहां पावर लूम है, उद्योग है, और इस मौके पर मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि मालेगांव शहर में पावर लूम को लेकर के जितने मजदूर उससे रिलेटेड हैं, चाहे वो पावर लूम मजदूर तराशन चलाने वाले हों या साइजिंग में काम करने वाले हों या इसी तरह और भी इस सनद से जुड़े हुए जो लोग हैं, उनके लिए सरकार की तरफ से कोई ऐसी स्कीम नहीं है कि उनको जो है इलाज और मुआवजे की कोई सहूलत मिले, उनके बच्चों को तालीम के लिए कोई अच्छा मौका मिले, सरकार की तरफ से मदद मिले, और इसी तरह जो कामगार लोग हैं उनको सरकार की तरफ से कोई ऐसी सुविधा नहीं है, कोई ऐसी स्कीम नहीं है कि वो लोग देश में तरक्की करने वालों के साथ साथ तरक्की कर सके। सरकार ने इस सनद के लिए कोई ऐसी पॉलिसी अब तक बनाई नहीं है। मेरी आपके मार्फत ये गुजारिश है कि इसके लिए सरकार कोई ऐसी स्कीम बनाए कि पावर लूम से जुड़े हुए जितने कामगार हैं उनको इलाज और मुआवजे के साथ, उनके बच्चों के तालीम के साथ और उनको जो है तरक्की के मौके मिले। मैं आपकी मार्फत सरकार का और प्रोटा मंत्री का शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने तलवाड़ा डैम से मालेगांव फिल्टर प्लांट तक नई पाइपलाइन के लिए बजट मंजूर किया है। मैं मालेगांव वासियों की तरफ से सरकार का, मिनिस्टर साहब का शुक्रगुजार हूं। मालेगांव जिसको चनकापुर डैम से पानी मिलता है, ये 1970 की जनसंख्या को सामने रख करके कोटा तय किया गया था। आज 50 साल में मालेगांव की आबादी 1970 के मुकाबले में बहुत आगे बढ़ चुकी है और कोटा वही है जो 1970 में मंजूर किया गया था। मेरी आपके मार्फत सरकार से ये गुजारिश है कि इस कोटे में इजाफा किया जाए। मालेगांव वालों को कारपोरेशन की तरफ से नलों में जो पानी दिया जाता है वो एक दिन या दो दिन नागे से दिया जाता है, लेकिन नल पट्टी पूरा साल भर पानी दिया जाता है, उस हिसाब से वसूल की जाती है और हर साल 5% जो है पानी पट्टी का इजाफा होता है। महाराष्ट्र भर में बड़े बड़े शहरों के मुकाबले में मालेगांव वालों से जो पानी पट्टी वसूल की जाती है वो बहुत ज्यादा है। इस सिलसिले में सरकार को इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए। आज इस मौके पर आपने मुझे कहने का मौका दिया, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि महाराष्ट्र के अंदर पूरे देश के मुकाबले में बिजली सबसे ज्यादा महंगी है। महाराष्ट्र के अंदर जो कपड़ा तैयार होता है या जो चीजें तैयार होती हैं और उनको उनमें बिजली इस्तेमाल होती है, उनकी कॉस्ट और उस पर खर्च ज्यादा आता है, जबकि दूसरे स्टेट के मुकाबले में वहां जो चीजें बनती हैं वो महाराष्ट्र के मुकाबले में लोगों को सस्ती पड़ती है। तो बिजली जो है दर जो महाराष्ट्र के अंदर सबसे ज्यादा है, सरकार को इस पर तवज्जो देनी चाहिए। और इसी तरह दूसरी स्टेट के अंदर वहां के रहने वालों को जो 100, 200 और 300 यूनिट बिजली फ्री दी जाती है, महाराष्ट्र के अंदर भी महाराष्ट्र वासियों को जो है 200 यूनिट बिजली यूनिट फ्री देना चाहिए। मेरी आपके मार्फत सरकार से ये गुजारिश है। आपने मुझे कहने का मौका दिया, मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। डायमंड कारपेट, हमारे वहाँ कारपेट, दराज, पायदान होलसेल रेट में दिया जाता है। हमारा पता याद रखें, मुस्तफा वंगार बाजार, डायमंड कारपेट, मालेगांव।